नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं तुलसी के पौधे के प्रकार के बारे में। वानस्पतिक दृष्टि से तुलसी दो प्रकार की होती है, पहला राम तुलसी और दूसरा श्याम तुलसी। राम तुलसी धुंधली तथा श्याम तुलसी काली होती है। एक वन तुलसी भी होती है। आयुर्वेद में तो अनेक रोगों के उपचार में तुलसी को उपादेय बताया ही गया है। एलोपैथी, यूनानी चिकित्सा तथा होम्योपैथी में भी इससे दवाइयाँ बनती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में भी तुलसी के बहुत से प्रयोग लाभदायक माने गए हैं। भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी तुलसी को महत्वपूर्ण माना गया है। ग्रीस में तुलसी दिन मनाते हैं तथा उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी घरेलू इलाजों में तुलसी का प्रयोग होता है। तुलसी को भारतीय मानस में देवी का दर्जा प्राप्त है, अतः उसके चयन उपयोग में भी विशेष श्रद्धा अभिव्यक्त की जाती है। पद्म पुराण में तो तुलसी दल के चयन के लिए श्लोक कहा गया है, तुलस्य मृत जन्मासी सदा त्वयम् केशव प्रिय केशवार्थम चिनोमि त्वाम वरदा भव शोभने तदंग संभवेर नित्यम पूजयामि यथा हरिम तथा कुरु पवित्रांगी कलो मल विनाशिनी। अर्थात तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही श्री हरि का पूजन कर सकूँ। ऐसा उपाय करो, हे पवित्रांगी तुलसी, तुम कलिमल का नाश करने वाली हो। यही नहीं, रविवार, अमावस्या, द्वादशी एवं संक्रांति के दिन तुलसी चयन निषिद्ध है। इसलिए इन दिनों के पूजन के लिए उससे पूर्व की तिथियों में ही उनका चयन कर लेना चाहिए। ग्रहण के समय तथा आधी रात के बाद भी 3 घंटे तक तुलसी दल का चयन यानी उसे तोड़ना नहीं चाहिए। ये विधान अंधविश्वास लग सकते हैं, परंतु कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार इनका जरूर होगा, भले ही आज हमें ज्ञात न हो। हाँ, बासी फूल, बासी जल पूजा में वर्जित होता है, परंतु तुलसी दल तथा गंगा जल कभी बासी नहीं होते। भाव यही है कि इनकी विशेषताएं समय के साथ समाप्त नहीं होती। देव कार्य, पितृ कार्य के लिए नहाकर ही तुलसी पत्र चयनित करने चाहिए। तुलसी के 8 नाम प्रसिद्ध हैं, जैसे वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। इन नामों के पाठ का भी विधान है। इसका रस सर्वोत्तम है, अतः सुरसा है। हर जगह आसानी से उपलब्ध होती हैं, अतः सुलभा है। गांव में अधिक मात्रा में उपलब्ध होती हैं, अतः ग्राम्या कहलाती है। शूल का नाश करने से शुलग्नी कहते हैं। तुलसी को लैटिन भाषा में ओसिमम सेक्टम कहते हैं। अंग्रेजी में तुलसी को बेसिल कहते हैं। तुलसी देवी को चित्र में श्वेत वस्त्रावृता पद्मासन स्थिता तपलीन दिखाया जाता है। वास्तव में एक अद्भुत वनस्पति के रूप में हर गृह और मंदिर में सर्वत्र प्रतिष्ठित रहती है तुलसी देवी। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।